दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह, समूचे सौरमंडल में रहने लायक एकमात्र ग्रह पृथ्वी प्रकृति का अनोखा संगम है, जहां मौजूद नदी, पहाड़, जंगल और आकाश इस धरती को लाजवाब बनाते हैं। वहीं अगर इस प्रकृति की खूबसूरती में इंसानों का हाथ लग जाए तो उसका परिणाम अद्भुत होता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के ऐसे ही अविश्वसनीय जगह के बारे में, जो प्रकृति और इंसानी बुद्धि का अनूठा मिश्रण है, जिन्हें देखकर अपने आंखों पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है। ग्रेट ब्लू होल। धरती पर कई अद्भुत और रहस्यमय जगह है जो लोगों को हैरान कर देती है। ऐसे ही एक जगह मध्य अमेरिका देश बेलीज में भी है, जिसे ग्रेट ब्लू होल कहा जाता है। असल में यह गोलाकार गुफा है जो समुद्र में बनी है। इसका व्यास 318 मीटर है और गहराई 125 मीटर है। इस समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया के सर्वोत्तम जगहों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर दुनिया भर के लोग आते रहते हैं। माना जाता है कि ग्रेट ब्लू होल का निर्माण करीब 1.5 लाख साल पहले से लेकर 15,000 साल पहले तक कुल 4 चरणों में हुआ था। इस समय यहाँ समुद्र का स्तर काफ़ी कम था, जिस वजह से ये गुफा समुद्र के ऊपर दिखाई देती थी। बाद में जब समुद्र का स्तर बढ़ा तो ये गुफा पूरी तरह पानी में डूब गई। ये गुफा चूने से बनी है और इसके भीतर कई तरह की मछलियाँ और अन्य समुद्री जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती है। दुनिया भर के गोताखोर यहाँ पानी के नीचे के टीलों को देखने के लिए आते हैं और इसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट ब्लू होल के अंदर कई गुफाएं हैं। ग्रेट ब्लू होल को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने का श्रेय फ्रांस के वैज्ञानिक जैक्स कास्टिव को दिया जाता है। उन्होंने इसके रहस्य का खुलासा करते हुए इस जगह को दुनिया के शीर्ष 5 स्कूबा डाइविंग जगहों में से एक घोषित किया था। साल 1971 में वो अपना जहाज लेकर इस समुद्री गुफा की गहराई नापने आए थे। साल 2012 में डिस्कवरी चैनल ने पृथ्वी की 10 सबसे अद्भुत जगहों की सूची में ग्रेट ब्लू होल को पहले स्थान पर रखा था। आश्चर्य से भरी यह जगह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में से एक बेलीज बैरियर रीफ सिस्टम का हिस्सा है। ये दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा प्राकृतिक निर्माण है। द डेविल ब्रिज, जर्मनी। जर्मन के क्रोमलव पार्क ब्रिज को डेविल्स ब्रिज कहा जाता है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत इसका अर्धगोलाकार मेहराब के आकार में बना होना है। यह पुल पूर्वी जर्मनी के क्रोमलव पार्क में बना है। जब पुल के नीचे जलाशय में पानी शांत होता है और रोशनी पड़ती है तो दूर से एक खूबसूरत गोलाकार आकृति बनती है। दर्शकों को यह दृश्य परियों की कहानी जैसा लगता है। इस पुल को बनने से जुड़ी कई कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि इसको शैतानों की मदद से बनाया गया। कहानी के मुताबिक पुल के बिल्डर और शैतान के बीच एक डील हुई थी। शैतान ने पुल बनाने में मदद के लिए एक शर्त रखी थी। पुल से पहले गुजरने वाले इंसान को खाने की शैतान ने शर्त रखी थी, यानी पुल से जो पहला इंसान गुजरता शैतान उसे खा जाता। फिर बताया जाता है कि पुल बनने के बाद बिल्डर ने शैतान को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। उसने कोशिश की कि कोई जानवर पहले पुल से होकर गुजरे, लेकिन कहते हैं कि बिल्डर कामयाब नहीं हुआ और किसी वजह से मजबूरी में खुद उसे पुल पर सबसे पहले जाना पड़ा और शैतान के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कैलिफोर्निया में स्थित ऐसा घर है जहाँ लोग जाना तो क्या उसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते। पूरी दुनिया में अपनी कहानियों के लिए मशहूर विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस को अमेरिका का सबसे डरावना घर कहा जाता है। इस घर के सामने आपको अपने देश की सबसे डरावनी जगह कहे जाने वाले भानगढ़ के किले के किस्से भी आम लगेंगे। ये घर बंदूक माफिया विलियम वर्ट विंचेस्टर की पत्नी सारा विंचेस्टर ने बनवाया था। कहा जाता है कि सारा ने यह घर खास भूतों के लिए बनवाया था। वो यहाँ रह सके इसलिए इतने कमरे वाला यह घर बनवाया गया था। साल 1884 में इस घर का काम शुरू हुआ था और ये सालों साल चला था। यह घर वाकई में काफ़ी अजीब है। यहाँ कई ऐसे दरवाजे खिड़कियाँ हैं जो कहीं नहीं खुलते।
कमरे के अंदर कमरे बनाए गए हैं, ऐसे सीढ़ियां हैं जो शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। वहीं वेस्टर्न कल्चर में अशुभ माने गए नंबर 13 का भी इस घर में खूब इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि सीढ़ियां में 13 स्टेप, खिड़कियों में 13 पैनल आदि। इस घर में कुल 161 कमरे हैं, जिसमें 40 केवल बेडरूम है। 4.5 एकड़ में फैला ये स्थापित घर आज एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आज भी जब लोग यहाँ घूमने आते हैं तो उन्हें कई तरह की आहटें महसूस होती है। कई लोगों को तो घर में परछाई भी दिखाई दी है। नाजका लाइंस पेरू। वैसे तो दुनिया में मिस्टीरियस फैक्ट भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ फैक्ट आज भी लोगों को चौंकाने का काम करते हैं। ऐसा ही कुछ पेरू की नाजका लाइंस का है, जो आज से 2500 साल पहले की बताई जाती है। इन लाइंस का एलियंस के साथ क्या कनेक्शन है, इसके बारे में एक नई थ्योरी सामने आई है। फेमस नाजका लाइंस के बारे में ये नई थ्योरी सामने आई है कि एलियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये लाइंस बनाई गई थी। इन लाइंस के बारे में कहा जाता है कि ये आज से 2500 साल पहले 500 BC से 200 BC के बीच बनाई गई थी। ये डिजाइन एक सीरीज में बड़ी डिजाइन की तरह है, जिसमें कई तरह के जानवर बनाए गए हैं, जैसे फिश, मंकी, स्पाइडर और तो ह्यूमन की फिगर्स बने हुए हैं। ये नाजका लाइंस दक्षिण अमेरिका देश पेरू की राजधानी लिमा से 400 किलोमीटर साउथ में है। यहाँ 800 स्ट्रेट लाइन है, जिनमें 300 ज्योमेट्रिक डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से 7 एनिमल और प्लांट की डिजाइन है। इनमें से कुछ तो 370 मीटर लंबे हैं। वेबसाइट रैंकर के अनुसार ये पैटर्न ऐसे बने हैं जिन्हें सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है। ये डिजाइन बिल्कुल लोगों के द्वारा बनाए गए हैं और वे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के लिए एक सिग्नल था कि यहाँ लाइफ है। ब्लड फॉल अटलांटिका। सदियों से इस झरने की पानी का रंग लाल है। जिस जगह यह झरना है वहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, लेकिन झरना फिर भी बहता रहता है। पहली बार साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने यहाँ आने की हिम्मत की और उन्होंने देखा कि यहाँ खूनी वाटर फॉल गिर रहा है। उन्हें पहले लगा कि यह लाल रंग माइक्रोस्कोपिक लाल शैवाल की वजह से है, मगर साल 2003 में टेलर की शैवाल वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। नई रिसर्च में सामने आया था कि यह पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है, इसकी वजह से यह पानी का रंग लाल है। कुछ लोगों ने इसे सच भी मान लिया, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं को इस शोध पर भी विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने 2 कदम आगे जाकर नया शोध किया। कोलोराडो कॉलेज और अलास्का यूनिवर्सिटी ने अपने शोध में पाया कि पानी दरअसल एक बेहद विशालकाय तालाब से गिर रहा है। खास बात यह है कि यह तालाब पिछले कई लाख साल से बर्फ के नीचे दबा हुआ है। पानी जैसे जैसे जमना शुरू होता है वो गर्मी छोड़ता है, यही गर्मी चारों तरफ जमी बर्फ को गर्म करती है। इस प्रक्रिया कुछ लोगों का तो यहाँ तक विश्वास है कि यहाँ पर कई आत्मा रहती है। इस आत्मा की वजह से ही पानी का रंग लाल है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के पानी के अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, जो हवा के संपर्क में आकर पानी को लाल बना देता है। उनका अनुमान है कि यह जगह बर्फ के नीचे लौह तत्व की अधिकता है, जो पानी को लाल रंग देती है। हालांकि यह लाल झरना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आज का इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।